हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलो आज हम दूसरे टॉपिक के साथ है, ठीक है। ईआर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ईआर से मतलब हम पढ़ रहे थे ईआर और गोल जी के बीच की, मतलब दोनों के बीच में ना किस तरीके से प्रोटीन मतलब ट्रांसफ़र होता है, राइट। हम ये चीज़ पे मतलब हम ये चीज़ के बारे में देख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि मतलब ईआर से जो भी प्रोटीन्स, राइट, जो भी प्रोटीन्स है ईआर से जो अब फर्दर सॉर्टिंग के लिए जा रहा है गोल्जी में, वो किस तरीके से जाता है, राइट। हमने देखा था कॉप टू वेसिकल के फॉर्म में जाता है, राइट। और उधर जाकर किस तरीके से फ्यूज़ होता है, वी स्नेयर्स टी स्नेयर्स के फंक्शन वहाँ पर थे, रैप प्रोटीन्स, राइट, रैप इफेक्टर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, ठीक है। चलो पहले तो मैं स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ आवर ईआर, ठीक है, और ये हमारा गोल्जी, दिस इज़ आवर गोल्जी। हमें पता है, राइट, ईआर में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते, राइट। अब जब हम देख रहे थे, जब मतलब एक राइबोसोम मतलब साइटोप्लाज्म से जो एमआरएनए लेकर आ रहा था वो कहाँ पर अटैच हो रहा था, एसआरपी प्रो वो मतलब एसआरपी प्रोटीन लेकर आ रहे थे, राइट। और उसके बाद SX61 ट्रांसलोकोन्स थे उधर, राइट, और फिर हीट शॉक प्रोटीन्स भी प्रोटीन्स थे उधर। उधर हमने देखा कि SX63 भी प्रोटीन वहाँ पर देखा था हमने, राइट। उसके बाद हमने कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन, ये सभी क्या है, ये प्रोटीन्स है ना। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ईआर में भी अपने प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, भले ईआर में प्रोटीन्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं और फिर वो फर्दर शॉर्टिंग के लिए आगे जाता है, राइट। ये चीज़ तो होता है, पर इसके अलावा ईआर में भी प्रोटीन्स होते हैं, ईआर के रेसिडेंट प्रोटीन, ठीक है। हम बोलेंगे ईआर के रेसिडेंट प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर ईआर के रेसिडेंट, चलो ईआर के रेसिडेंट प्रोटीन की एक खासियत, ठीक है, हम किस तरीके से जान सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोटीन है ये ईआर में होनी चाहिए, ये ईआर की प्रोटीन है, ठीक है। ये हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी प्रोटीन किस चीज़ मतलब कोई भी एक प्रोटीन किस चीज़ से बने हुए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब उनमें क्या होता है, एक तो होता है आपके एन टर्मिनल, राइट, और एक तो होता है आपके सी टर्मिनल एंड, इज ना। जैसे अब कोई भी प्रोटीन किस से बने हुए थे, अमीनो एसिड से, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी एक अमीनो एसिड ले लेते हैं हम, फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं एलानिन, ठीक है। एक साइड में क्या होगा आपका, एक साइड में होगा आपके कार्बोक्सिलिक एंड, राइट, और एक साइड में होंगे आपके अमीनो ग्रुप एंड, ठीक है। यहाँ पर होंगे आपके एच हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पर होंगे आर ग्रुप। पर एलिनिन के केस में हमारे आर ग्रुप क्या होंगे, ये CH3, ठीक, CH3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एन टर्मिनल भी है, सी टर्मिनल भी है, मतलब एमिनो एसिड में सी टर्मिनल भी है, एन टर्मिनल भी है, राइट। अब प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बने होते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि हरे कोई भी प्रोटीन में एक तो होगा एन टर्मिनल एंड और एक होता है सी टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब हम देख रहे जो ईआर, ठीक है ना, जो ईआर जो प्रोटीन ईआर का है उनमें खासियत क्या है, हम कैसे जान सकते कि ये पर्टिकुलर एक प्रोटीन ईआर का ही है, ठीक है ना। हम फॉर एन एग्जाम्पल ये प्रोटीन है, ठीक है ना, ईआर के प्रोटीन हमने देखा, ईआर के मतलब ये प्रोटीन में एक तो होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन ईआर के हैं, खुद ईआर के हैं, उनके मतलब उन प्रोटीन के सी टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते के डी ई एल, ठीक है ना, के डी ई एल। के मतलब क्या है, के मतलब आपका लाइसीन, राइट, लाइसीन लाइसीन। और हमारा डी मतलब क्या है, एस्पार्टिक एसिड। लाइसीन क्या है, एक लाइसीन एक
बेसिक सॉरी या बेसिक अमीनो एसिड है, राइट। और एस्पार्टिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे ये जो ई ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, ये भी एक बेसिक अमीनो एसिड है। और उसके बाद क्या है हमारे ल्यूसीन, राइट। ल्यूसीन हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता नहीं करना कि कौन सा प्रोटीन इनके नी इसका नेचर क्या है, हमें ये नहीं जानना है यहाँ पर। हमें बस ये जानना है कि के का मतलब क्या है, कौन से अमीनो एसिड, डी कौन से अमीनो एसिड, ई कौन से अमीनो एसिड, एल कौन से अमीनो एसिड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ER के प्रोटीन्स है उनके सी टर्मिनल में ये एक सीक्वेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, KDL सीक्वेंस बोलते। अब देखो हमारे दोनों तरफ, ठीक है, चाहे वो आपके ER में हो, ठीक है, चाहे वो आपके ER में हो, चाहे वो आपके गोल्जी में हो, दोनों तरफ कहीं भी KDL सीक्वेंस के रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, इनके रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। अब देखिए मतलब यहाँ से तो प्रोटीन नहीं जा सकता आगे, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सपोज के लिए ये ER का प्रोटीन है और ये एक प्रोटीन है, इसको जाना है फर्दर, ये एक कार्गो प्रोटीन है, ठीक है। अब ER के प्रोटीन के पास KDL सीक्वेंस होंगे और यहाँ पर KDL सीक्वेंस के लिए रिसेप्टर है, तो यहाँ पर आकर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, राइट। तो मतलब ही नहीं बनता आगे जाने का, क्योंकि ये जो अगर इसके पास KDL सीक्वेंस है तो इसको सिग्नल मिल जाएगा कि भाई तेरा घर यही है, तेरे को आके नहीं जाना, राइट। तो ये अब ER को छोड़कर नहीं जा सकता। बट क्या होता है, मतलब कहीं कहीं बार बाय मिस्टेक, ठीक है ना, बाय मिस्टेक आपके जो ER के प्रोटीन्स हैं वो भी कॉप टू वेसिकल्स में बंद कर क्या कर जाता है, कॉप टू वेसिकल में बंद कर वो चले जाता है आपके गोल्जी में, ठीक है, मतलब कहीं कहीं बार, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, पर कभी कभी ना ऐसे चले जाता है ये भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉप टू वेस्टिकुलर और ये इसमें है हमारे ER के प्रोटीन, ठीक है। अब ये यहाँ पर यहाँ को चला गया, ठीक है ना, यहाँ गया ये, अब यहाँ जाके इसने क्या कर दिया, इसको तो मतलब वो कर दिया, राइट। मतलब ये जो इसके रिसेप्टर्स थे आपके ER के मेम्ब्रेन में, इसने तो उस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग नहीं किया, मतलब इस रिसेप्टर को उसने मतलब छल करके बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब ये जो प्रोटीन जो ER के है, ठीक है ना, अब ER में भी तो इसका रिसेप्टर लगे हुए हैं ना, तो ये बोल सक हम बोल सकते कि इसके आँखों में जो मतलब धूल झोंक कर ये अब आ गया आपके गोल्जी में, ठीक है, वेसिकल में बनकर, ठीक है, आ गया गोल्जी में। अब क्या कर सकता है, अब यहाँ पर क्या होगा सिनारियो, अब ये बोलेगा, ये वाला प्रोटीन बोलेगा कि हाँ भाई अब मैंने तो इसको मतलब मैं तो अभी कुछ और ही नए दुनिया में हूँ, अब मेरे को तो आगे जाना, ठीक है, ये बोल रहा, मतलब इसके पास ऐसा ख्याल है, मतलब स्टोरी फॉर्म में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ वैसे, अभी क्या मतलब रीज़न, ठीक है ना, रीज़न मैं अभी अभी बात बताऊँगा आप लोग को। तो क्या होता है कि मतलब ये बोला कि हाँ अभी मैं जाऊँगा, पर यहाँ पर इसके रिसेप्टर लगे हुए थे, यहाँ पर भी एक इसके रिसेप्टर लगे हुए थे। अब क्या होगा, जिस तरीके से इसने ये वाले रिसेप्टर को मतलब ऐसे करके आंखों में धूल जब कर इसने ना वो किया था, छल किया था, पर इसके साथ अब नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब ये नहीं बोल सकती हाँ तेरे साथ भी मैं बाइंड नहीं करूँगा, मैंने ER में भी नहीं किया था, अब तेरे साथ भी मैं नहीं करूँगा, ये नहीं बोल सकता, ठीक है। 101% यहाँ पर ये क्या होगा, अब बाइंड होगा ही होगा, ठीक है, बाइंड होगा ही होगा, अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाइंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके पास KDL सीक्वेंस है और ये KDL रिसेप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर बाइंड होकर एक वेसिकल बनेंगे, एक वेसिकल बनेगा यहाँ पर, ओके, वेसिकल बनेगा यहाँ पर, आ गया। अब इस वेसिकल का नाम होगा होगा आपका COP1, COP1 वेसिकल, लेकर फिर से यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, मतलब जो प्रोटीन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, अब उस प्रोटीन को फिर से पकड़ कर यहीं पर अब इन्होंने क्या कर दिया, ला दिया, ठीक है ना। तो ये अब ER के प्रोटीन अब जा मतलब
गोलजी तक तो जा रहा था ये, पर गोलजी से भी आगे नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो गया आपका KDL, सॉरी KDL सीक्वेंस और KDL रिसेप्टर की बात। ठीक है, अब हम करते हैं और एक सीक्वेंस होते हैं आपके KKXX। KK का मतलब लाइसिन, ठीक है ना। अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि KK का मतलब है लाइसिन, ठीक है, जो कि एक बेसिक अमीनो एसिड है। अब यहाँ पर जो एक्स है ना, ये दोनों एक्स, मतलब ये एक्स कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी अमीनो एसिड। हमारे पास 20 अमीनो एसिड है ना, 20 में से कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी मतलब एक अमीनो एसिड हो सकता। पर ये है कि आगे दो लाइसिन होनी चाहिए, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। असल में क्या होता है कि ये ना एक मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, मतलब ER के ही प्रोटीन, पर किस तरीके का प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब जो ER के मेम्ब्रेन से बंधे हुए हो, ठीक है। अब ये वाले प्रोटीन तो सेक्रेटरी प्रोटीन था ना ER के, जो अंदर ल्यूमिन में होंगे, पर ये वाले आपके सीक्वेंस आपके कौन से प्रोटीन्स में होंगे, आपके होंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में, ER के, ठीक है। अब आप अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर एक रिसेप्टर था, राइट, एक कोई भी कार्गो प्रोटीन के लिए एक रिसेप्टर था, राइट, जो कि कार्गो प्रोटीन स्पेसिफिक था। अब ये रिसेप्टर क्या है, ये रिसेप्टर असल में आपके ER के मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, क्योंकि ये रिसेप्टर तो यहाँ पर ER में लगे हुए हैं, और कहाँ पर लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन में, तो फिर ये तो क्या हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया ना। तो इनके पास क्या होता है कि इनके पास मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास अब होंगे ये वाले सीक्वेंस KKXX, ठीक है ना। अब फॉर एन एग्जांपल ये कॉप टू वेसिकल पे यहाँ पे आ गया कार्गो प्रोटीन को छोड़ने के लिए। अब यहाँ पर है आपका मतलब वो ये वाला, ठीक है। और एक बात जो आप इसमें भी सी टर्मिनल में ही होंगे, ठीक है ना, जो KKXX ये सीक्वेंस है, ये आपके सी टर्मिनल में ही होंगे। अब इनके सी टर्मिनल कहाँ पर होता है, जो साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, ये ER है, ये क्या आ गया आपका साइटोप्लाज्म, राइट, ये साइटोप्लाज्म है। तो ई टर्मिनल साइड हमेशा साइटोप्लाज्म के साइड फेस करता है, ठीक है। तो फिर मतलब ये अगर साइटोप्लाज्मिक फेस हुआ इस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, ER के मेम्ब्रेन प्रोटीन का, तो फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर है आपके KKXX सीक्वेंस, ठीक है। अब यहीं पर होंगे KKXX सीक्वेंस। अगर ये वाला प्रोटीन ER का प्रोटीन गोल्जी में हो, फिर भी वहीं गोल्जी में भी इनके मतलब सी टर्मिनल एंड आपके साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है ना, मतलब उधर ही फेज किए होते हैं। तो यहाँ पर है आपका KKXX अब सीक्वेंस। अब क्या होगा, यहाँ से एक वेसिकल बनेगी, क्योंकि गोल्जी को पता लग गया ना कि यहाँ पर तो यार इसके पास तो KKXX सीक्वेंस है सी टर्मिनल में, राइट। अब ये तो मेरा प्रोटीन नहीं है, इसको तो भेजना पड़ेगा ER के पास। तो ये फिर से क्या करेगा, कॉप वन वेसिकल बना के अब ये इसको मतलब इसको वापस ER में भेज देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि KDEL सीक्वेंस और KKXX सीक्वेंस के इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है ना। KDL सीक्वेंस होंगे आपके ER में, ER के प्रोटीन में, पर कौन से वाले प्रोटीन्स में होंगे, जो ER के ल्यूमिन में प्रेजेंट हो, ठीक है। और KKXX भी ER के प्रोटीन में ही होंगे, ठीक है ना, पर कौन से वाले प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में होंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे COP2 vesicle, ठीक है ना, COP2 vesicle किस तरीके से फॉर्म होता है। अब देखो यहाँ से COP1 vesicle यहाँ बना, राइट, अब ये जा रहा है वापस ER में, तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही है। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कॉप वन वेसिकल किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है? ओके, तब तक के लिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।